फाइनली हमारे बंदर और कुत्ते की दोस्ती हो गई है, और बंदर ने ही पहले आगे हाथ बढ़ाया है दोस्ती का, लेकिन कुत्ता थोड़ा सा डॉग हमारा डर चुका है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे करके इन दोनों को साथ हो जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है कोई सी भी दोस्ती हो, तो हर किसी को थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो वही वक्त ले रहा है ये। फाइनली इन लोगों की दोस्ती हो गई। एक को रहती रे अरे कन्ना गला तेरा कन्हा पर बैठ लो और कि ना हां ओकरा बैठवा दे चलो नवा। देसी कुत्ते से बंदर को दोस्ती हो गया है फाइनली। ओए बसंती तेरा दोस्त कहां जा रहा है, देख दोनों साथ में आज बैठे हैं और दोनों साथ में ही चल रहे हैं। तो ये मदारी का बंदर है, क्या कभी आपने सोचा है मदारी का बंदर मदारी के पास कैसे आता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कोई जानना नहीं चाहता है। एक्चुअली जब बंदरिया जब बच्चे देते हैं तो उनके बच्चे जो है छीन लिया जाता है, और ये बहुत बड़ी मार्केट है और हर जगह पे 1000 और 2000 का बेचा जाता है। इस तरीके से इनका रेट लगाया जाता है, और बहुत बुरी तरीके से इनको, जब एक चीज़ आपने बंदरों में देखा होगा, जब इनके बच्चे मर भी जाते हैं ना, तब भी बंदरिया अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ती है, तब भी उसे पकड़ के रखती है। और यहाँ जब बच्चा छीना जाता है तो कितनी बड़ी क्रुएल्टी होती है आप समझ सकते हैं। कभी कभी कोई केस में ऐसा होता है जब बंदरिया को ही मारा जाता है, क्योंकि बच्चे उन्हें लेने होते हैं, तो उस वजह से बंदरिया को भी मार देते हैं वो लोग। तो इस तरह से आता है, उसके बाद बहुत बुरी तरीके से पहले टॉर्चर किया जाता है बच्चे को, और फिर आगे चल के उस बच्चे का दांत तोड़ दिया जाता है, है ना। तब जाके मदारी अपने पास रखते हैं, जो कहीं इसने काट लिया अगर बंदर ने उस मदारी को, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो इसलिए पहले वो दांत तोड़ते हैं, फिर इसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करके फिर ये ट्रेनिंग देते हैं इसे। अभी इसे जिस तरीके से, अगर जो आपको मूव करवाना हो, इसका चैन है, चैन जिस तरीके से मूव करिएगा उस तरीके से ये मूव होता है। इसे सब कुछ पता है कहाँ घर, क्योंकि ये लोग जब एक बार जिस रास्ते से जाते हैं वो रास्ता ये याद रखते हैं। इनकी मेमोरी पावर काफ़ी अच्छा होता है, और साथ साथ सूंघने की शक्ति भी इनकी भी काफ़ी अच्छी होती है। अभी ये कुत्ते को फॉलो कर रहा है, अभी कुत्ता उधर चला गया, ये रुक गया। ओ इधर आ चल। तो कुछ इसी तरीके से ये दोनों अपना साथ साथ रहते हैं हमेशा, और साथ साथ ही एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। चल बसंती, क्योंकि पहले भी जब मदारी रख रखा था तो खेल दिखाने के लिए वो कुत्ते के साथ रख रखा था, है ना। तो इसे कुत्ते से कोई प्रॉब्लम है नहीं। बसंती के लिए एक अभी हमें ताज़ा पेड़ से गिरा हुआ आम भी मिल गया, देख सकते हो आप, काफ़ी सुंदर आम है। अभी आम का सीज़न क्लोज हो रहा है, तो एंड मोमेंट चल रहा है इन आमों का, और ये लालची इंसान ये खाने के चक्कर में। एक और आम, तो यहाँ पे हमारे पास तीन आम हो गए हैं, तीन आम हो गए। अब बसंती के बढ़िया आम मिल गया इसे खाने के लिए। ये ज़्यादातर फल खाते हैं, रोटी वोटी बहुत कम खाते हैं, फल और केला, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसे रखना। तो दादाजी इसे कह रहे हैं हमेशा आम खिलाते रहते हैं।